नमस्कार, मैं हूं वर्षा आपके साथ और आप देख रहे हैं SRB बुलेटिन न्यूज चैनल। तो आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। क्या भांडर में हो गई कोरोना की एंट्री? भांडर क्षेत्र में मिल रहे कोरोना के संदिग्ध, हो रही उनकी जांचें। ग्राम लाहार हवेली के बाद अब बलेरा सोपा में मिले 8 संदिग्ध। ग्रामीण जनता ने की उनकी जांच कराने की मांग। लाहार हवेली से मरीजों को घर में ही किया गया आइसोलेट। पहले बात लाहार हवेली कर लेते हैं, जहां पर सबसे पहले कोरोना के संदिग्ध मिले थे, जिनकी जांच की गई और उन्हें घर में ही नज़रबंद कर दिया गया और हिदायत दी गई कि वह अपने घरों से ना निकलें और उनका प्राथमिक उपचार किया गया। इसके बाद अब भांडर क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में भी मामले सामने आ रहे हैं, जैसे बलेरा सोपान, पट्टी ततारपुर आदि। इनमें से भी लोग संदेह के घेरे में हैं, जो बाहर से यात्रा करके आए हैं और उनकी तबीयत खराब है। SRB जनता को बता दें कि कोरोना के लक्षण तत्काल नहीं दिखते, उन्हें दिखने में कम कुछ वक्त का समय लगता है। जो लोग यात्रा कर आए हैं या उनकी तबीयत खराब है, उनसे ज़्यादा दूरी बना के रखें। अब तो उनसे मिलें ही नहीं, बाकी लोगों से कम 5 फुट की दूरी बनाए रखें, क्योंकि जान है तो जहान है। लाहार हवेली के बाद अब ग्राम बलेरा सोपान और आसपास के ग्रामीण इलाकों से खबर आ रही है कि जो लोग बाहर से आए हैं उनमें से कुछ की तबीयत खराब है। तो वहीं अब सभी ग्रामीणों का कर्तव्य बनता है कि इसकी सूचना स्वास्थ्य विभाग को दें और उनका चेकअप कराएं और उनसे दूरी बनाए रखें, घरों पर ही रहें और प्रशासन के नियमों का सख्ती से पालन करें। जनता की लापरवाही दे रही कोरोना को नियंत्रण। लाहार हवेली के बाद अब घरों के बाहर घूम रहे लोग नहीं कर रहे धारा 144 का पालन। पुलिस प्रशासन द्वारा किया जा रहा निवेदन, साथ ही की जा रही कार्रवाई। बलेरा सोपान में लगभग 8 लोगों के जाँच की मांग की जा रही है, जो केरल, भोपाल और आगरा से आए हैं।